जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रिप्रेजेंट करोगे, तो आपने देखा था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उनका डायग्राम जब बनाया था तो वो साइन फंक्शन के अकॉर्डिंग वेरी करती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक साइन फंक्शन के अकॉर्डिंग चेंज होंगे, तो उनकी जो वेव फॉर्म होगी या इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड को जब आप रिप्रेजेंट करोगे, सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस के लोग, तो यहाँ पे एक ई वाई लिख देंगे। जैसे ये वाली कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो एक्स एक्सिस के लोग ट्रेवल कर रही है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, वाई एक्सिस के लोग, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ई वाई, और इसकी इक्वेशन होगी ई वाई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, यहाँ पे प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं, इंटू के एक्स, ठीक है। और इसी तरीके से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है, जेड एक्सिस के लोगे, तो यहाँ पे बी जेड लिख देंगे, और यहाँ पे आएगा बी नॉट साइन, और ये आगे वाला फंक्शन पूरा सेम रहेगा, साइन फंक्शन सेम होता है दोनों में, क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी, दोनों का टाइम पीरियड, दोनों की वेवलेंथ सेम होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ सब क्या होंगे, सेम, इसलिए साइन फंक्शन ये सेम रहेगा, बस वहाँ पे ई नोट है, यहाँ पे क्या आएगा बी नोट, ये इनमें चेंज आएगा। यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रेवल कर रही है तो यहाँ पे के का मल्टीपल क्या आएगा, एक्स आएगा, अगर वाई एक्सिस के अलोंग जा रही होती तो के वाई लिखते, जेड एक्सिस के अलोंग जा रही है तो के जेड लिखेंगे, ठीक है। और अगर यहाँ पे एक्स आ गया तो फिर ये दोनों क्या होंगे, वाई और जेड होंगे। अगर ये वाई होता है यहाँ पे, मतलब वाई एक्सिस के अलोंग अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल कर रही है तो यहाँ पे जेड होता और यहाँ पे एक्स होता, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के अलावा मैंने एक चीज़ और बताई थी आपको याद हो तो, कि जो डायरेक्शन होती है उसको हम कैसे डिसाइड करते हैं, ई क्रॉस बी से, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे उससे जो डायरेक्शन आएगी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन कंसिडर की जाएगी। तो ई क्रॉस बी की जो डायरेक्शन है वही, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है इनका क्रॉस प्रोडक्ट करके देखो, उससे जो डायरेक्शन मिलेगी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपेगेशन की डायरेक्शन मानी जाएगी, तो उस तरीके से इसको समझना है। अच्छा, यहाँ पे ये जो ओमेगा है इसको हम क्या बोलते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसका फॉर्मूला होता है 2π बाई टी, या फिर क्या लिख सकते हो, 2π न्यू भी लिख सकते हो, ठीक है। ये न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के लिए हम एफ का सिंबल यूज़ करते हैं कई जगह पे, और कहीं पे न्यू का सिंबल यूज़ करते हैं, न्यू बोलते हैं सिंबल को, ठीक है। ये हो गया ओमेगा, और ये जो के है इसको हम बोलते हैं वेव नंबर, और इसका फॉर्मूला होता है 2π बाई लैम्डा, क्या फॉर्मूला है इसका, 2π बाई लैम्डा। तो कई बार हमको इक्वेशन दे रखी होती है और उसमें हमको पूछा जाता है कि वेवलेंथ कितनी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की या फिर फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो आप कैसे फाइंड करोगे, आप जो इक्वेशन है उसमें देखोगे कि टी का मल्टीपल कितना है, टी का मल्टीपल होगा वो क्या होगा, ओमेगा, और एक्स का जो मल्टीपल होगा या वाई या जेड का जो मल्टीपल होगा वो क्या होगा, हमेशा के होगा। तो के की वैल्यू होती है 2π बाई लैम्डा, तो इससे अपन अगर के अपने पास है तो लैम्डा निकाल सकते हो ना फॉर्मूले से। इसी तरीके से अगर ओमेगा आपको पता चल गया टी का मल्टीपल कितना है तो आप टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर सकते हो इन फॉर्मुलों को यूज़ करके। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं।